तो फाइनली काफी टाइम से इंतजार किया जा रहा था और अब ये इंतजार को खत्म कर दिया गया है क्योंकि फाइनली टीवीएस ने उस स्कूटर को दिखा दिया है इसका काफी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे। अब ये स्कूटर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो टीवीएस आईक्यूब के बाद आने वाली थी और कहा यह जा रहा था कि ये स्कूटर उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जिस पर टीवीएस की क्रियोन बेस्ड थी जो उन्होंने ऑटो एक्सपो में दिखाई थी और ये रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही निकल कर आए हैं क्योंकि फाइनली आ चुकी है टीवीएस की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्कूटर का नाम है TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं सारी डिटेल्स इस न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात कर ही लेते हैं इस नई नवेली TVS इलेक्ट्रिक X स्कूटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करता हूं उस यूनिक चीज के बारे में जो स्कूटर में आप लोग देखते ही समझ जाते हैं और वो है स्कूटर के लुक। अब इस स्कूटर के अंदर जो आप लोग को लुक्स दिए जा रहे हैं वो ना तो किसी स्कूटर की तरह है ना तो किसी बाइक की तरह है बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंडियन मार्केट में यामाहा की एरोक्स आती है। क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोग को जो फुटबोर्ड होता है वहां पर आप लोग को जो दोनों तरफ आप लोग पैर रख के बैठ जाते थे उस तरीके से नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि इसमें आप लोग बाइक की तरह राइड करेंगे क्योंकि दोनों तरफ फुट पैग्स नहीं बल्कि आप लोगों को फुट बोर्ड दिया गया है प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर बीच में आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट दिया जा रहा है इसलिए बीच वाला जो स्पेस है वो यूनिकली चेंज हो चुका है। अब नॉर्मल स्कूटर की तरह इस तरीके से आप लोग एंटॉर्क में बैठ जाते थे उस तरीके से आप लोग इस टीवीएस एक्स के अंदर नहीं बैठ सकते। इसके अलावा इस स्कूटर के अंदर आप लोगों को जो फ्रंट प्रोफाइलिंग है वो बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई पड़ती है जिस तरीके से टीवीएस क्रेयॉन की थी जहां पर आप लोग को जो शेप है बॉडी का वो उस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। अब इसकी जो एलईडी हेडलाइट्स हैं वो काफी डिफरेंट हैं क्योंकि इसके एलईडी हेडलाइट्स में आप लोग को जो वर्टिकल हेडलैम्प्स हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं जो कि 5 हेडलैम्प्स दिख रहे हैं सेपरेट और वो आप लोग को सामने कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं इसके फ्रंट पैनल के अंदर। साथ ही साइड में आप लोग को एक इंडिकेटर का फेस दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से मान लीजिए आप लोग किसी बैटमैन का फेस देखते हैं उसी तरीके से इसका फ्रंट बनाया गया है जहां पर आईज की तरह इसके इंडिकेटर लगे हुए हैं और नोज की तरह इसके आप लोग को वर्टिकल हेडलैम्प्स दिखाई गए हैं। तो इसको टीवीएस ने एलईडी टेक 2.0 बताया है जहां पर आप लोग को लाइटिंग सिग्नेचर लाइट मिलती है स्कूटर की और आप लोग को रेजर पल्स हेडलैम्प्स मिलते हैं इसको रेजर पल्स हेडलैम्प्स कहा जाता है और स्कूटर की जो डिजाइनिंग है वो काफी डिफरेंट है। वहीं साइड में आते हैं तो आप लोग को जो स्कूटर के अंदर आप लोग को सीट मिलती है जो आप लोग को साइड से प्रोफाइल मिल रही है स्कूटर की वहां पर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आप लोग को देखेगा कि इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो एक्सपोज सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। यूजुअली मोनोशॉक सस्पेंशन जो गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं बाइक्स और टू व्हीलर के अंदर तो वो बॉडी के अंदर छुपे हुए होते हैं बट इसमें आप लोग को एक्सपोज सस्पेंशन दिया जा रहा है जो काफी बेटर नजर आ रहा है काफी बढ़िया नजर आ रहा है। और इस स्कूटर के अंदर जो प्लेटफॉर्म दिया गया है वो ज़ेल्टन प्लेटफॉर्म है। अब ज़ेल्टन प्लेटफॉर्म काफी यूनिक प्लेटफॉर्म है क्योंकि कहा यह जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग को एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम है ये और इसके अंदर आप लोग को जो स्टिफनेस मिलेगी वो काफी अच्छी मिलती है मतलब आप लोग को काफी सॉलिड प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है नाजुक इलेक्ट्रिक स्कूटर जिस तरीके से आती थी उसको बिल्कुल सिरे से आप लोग को नई तरीके की स्कूटर मिलेगी आप लोग को जो स्टिफनेस मिल रही है स्कूटर के अंदर प्लेटफॉर्म में जो मजबूती मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलने वाली है। और साथ ही आप लोग को सीट जो है वो भी काफी यूनिक दिखाई पड़ रही होगी क्योंकि सीट आप लोग को स्कूटर के अंदर स्प्लिट सीट दी जा रही है जिससे राइडर का कंफर्ट बेटर हो जाता है और पीछे वाले कंफर्ट के लिए आप लोग को सेपरेट सीट मिल रही है तो पिलियन के लिए अच्छे खासे आप लोग को पीछे स्पेस नजर आ रहा है। बाकी आप लोग को कोई एक्स्ट्रा ग्रैब रेल नहीं मिल रहा है बल्कि हेडलाइट के नीचे आप लोग को पकड़ने के लिए ऑप्शन दिया गया है जहां पर आप लोग अपने हाथ लगाकर पीछे इजीली पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं स्कूटर की और हार्डवेयर की बात करता हूं देखिए फ्रंट में आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो टायर्स दिए गए हैं वो आप लोग को एंटॉर्क की तरह ही नजर आ रहे हैं बल्कि उसके अंदर आप लोग को एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं जिसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। साथ ही उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल रही है और ABS भी दिया जा रहा है। तो स्कूटर के अंदर ब्रेकिंग सेटअप बेटर है लुक्स बेटर है डिजाइन यूनिक है प्लेटफॉर्म यूनिक है तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो स्कूटर के लुक्स एंड डिजाइन को बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देती है और इसीलिए इस स्कूटर को बहुत यूनिक बताया गया है। साथ ही अब मैं बात करता हूं इसके फीचर्स की जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही यूनिक है। तो अगर मैं बात करता हूं उस चीज के बारे में जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्कूटर के अंदर कितनी रेंज वगैरह मिलने वाली है एक बार चार्ज करने में कि स्कूटर कितनी चलेगी देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बैटरी पैक की। तो स्कूटर के अंदर TVS X के अंदर आप लोगों को 4.44 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है। इस बैटरी पैक से आप लोग स्कूटर को 140 यानी 140 किलोमीटर तक चला सकते हैं सिंगल चार्ज में। और स्कूटर के अंदर आप लोग को जो मोटर है वो 11 किलोवाट की दी गई है जो कि 14.7 BHP की एक मोटर है जो आप लोग को इतनी पावर देती है। साथ ही आप लोग को जो आउटपुट मिलेगा उसके अंदर वो 7 किलोवाट का होगा तकरीबन 9.3 BHP का। वहीं अगर बात करूं उसके एक्सेलरेशन की जो कि बहुत ही कमाल की है क्योंकि 0 to 40
किलोमीटर पर आर की स्पीड जो है ये 2.6 सेकंड में इजीली अचीव कर लेती है और 0 टू 60 की स्पीड ये 4.5 सेकंड में अचीव कर जाती है। और कंपनी का कहना ये है कि इस स्कूटर की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर की है और ये स्कूटर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो कि थर्मल मैनेजमेंट और रैम इनटेक एयर कूल्ड मोटर के साथ आती है। मतलब इस स्कूटर के अंदर कूलिंग वगैरह का कोई इशू नहीं होने वाला है, हीटिंग वगैरह जो आप लोग आजकल स्कूटर में देखते थे इलेक्ट्रिक वाली में वो सारी चीजें आप लोग को इसके अंदर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी ही बदल दी गई है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसलिए स्कूटर ज्यादा एडवांस बन चुकी है। साथ ही अगर आप लोग चार्जिंग की बात करूंगा तो चार्जिंग आप लोग स्कूटर की 0 to 80% तक अगर आप लोग चार्ज करना चाहते हैं तो 3 घंटे 40 मिनट के आसपास आप लोग स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। वहीं और हार्डवेयर की अगर बात करता हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्कूटर के अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक वगैरह दी जा रही है, तो अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट सस्पेंशन की तो इस स्कूटर में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन दिए जा रहे हैं, रियर में एक्सपोज्ड मोनोशॉक रियर सस्पेंशन दिए जा रहे हैं। ब्रेकिंग में बात करता हूं तो इस स्कूटर के अंदर आप लोगों को 220mm सिंगल ब्रेक मिल रही है और रियर में 195mm की डिस्क ब्रेक सेटअप दिया गया है। दोनों ही साइड डिस्क ब्रेक दी जा रही हैं और सिंगल चैनल एबीएस स्कूटर के अंदर मिल रहा है। बहुत ही कमाल की ब्रेकिंग मिलने वाली है और 12 इंच के एलॉय व्हील्स जो एंटॉर्क से मिलते जुलते हैं और जो साइज है वो 100x80 सेक्शन का टायर है और रियर वाला 110x80 सेक्शन का टायर है। तो अच्छे खासे वाइड टायर्स आप लोग को दिए जा रहे हैं जिससे आप लोग को रोड ग्रिप बेटर मिलेगी और इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये वेट रोड पर भी और ड्राई रोड पर भी और अगर किसी भी कंडीशन पर आप लोग चलना चाहते हैं इंडियन रोड कंडीशन के साथ इसको बनाया गया है जहां पर आप लोगों को अच्छी रोड ग्रिप मिलने वाली है। अगर बात करता हूं इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की तो देखिए स्कूटर के अंदर 175mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया गया है और सीट हाइट अच्छी खासी है, 770mm की इसके अंदर सीट हाइट मिल रही है। तो स्कूटर के अंदर स्पेसिफिकेशन बहुत कमाल की है, रेंज वगैरह भी बहुत सही मिल रही है, तो मेरे हिसाब से स्कूटर तो है मार्केट को हिलाने वाली है। पर आइए अब बात करता हूं उस चीज के बारे में जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर स्कूटर के अंदर कौन से फीचर्स दिए जा रहे हैं। देखिए स्कूटर के अंदर आप लोगों को सबसे पहले बता दूं आप लोगों को 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं जिसका नाम एक्सेल्ट, एक्स राइड और एक्सोनिक है, मतलब जोनिक भी आप लोग कह सकते हैं। और स्कूटर के अंदर 3 राइड मोड दिए जा रहे हैं जिसमें आप लोग को रेंज कम होती जाएगी, स्पीड ज्यादा होती जाएगी, जिस तरीके से नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर होता है इसके अंदर भी उसी तरीके से फॉलो किया गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि स्कूटर की टॉप स्पीड जो है 105 किलोमीटर की है और साथ ही अगर ABS की बात करें तो फाइनली आप लोग को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ABS मिलने लगा है जो कि इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गई है जिसके अंदर आप लोग को ABS मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करता हूं कि स्कूटर के अंदर आप लोग को नेविगेशन मिल रहा है, नेव प्रो नेविगेशन बोला गया है, TVS की ये टर्म है जो वो लोग इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। और साथ ही स्कूटर के अंदर एक फीचर दिया गया है जो कि 10.25 इंच का टैबलेट ही लगा दिया गया है, ये पूरा एक टैबलेट है जो इसके इंटरफेस में लगा दिया गया है जो कि एक TFT कंसोल है जो आप लोग उसको पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक चीज है जो TVS ने अपने इस स्कूटर के अंदर दे दी है। और साथ ही अगर मैं बताना चाहूं कि इसके अंदर आप लोग अपने हिसाब से इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं, वेदर कंडीशन देख सकते हैं, वॉलपेपर सेट कर सकते हैं और काफी सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं, जैसे स्मार्ट एक्स शील्ड मिल जाती है जिसके अंदर आप लोग अगर स्कूटर का क्रैश हो जाता है तो उसके अलर्ट मिलते हैं, ओवर स्पीडिंग का अलर्ट मिलता है, थेफ्ट अलर्ट मिलता है, जियो फेंसिंग अलर्ट मिलता है। ये बहुत सारी चीजें स्कूटर के अंदर दी गई जिस तरीके से किसी आईफोन के अंदर क्रैश अलर्ट वगैरह मिलता है, बिल्कुल उसी तरीके से स्कूटर के अंदर आप लोग को ये सारे जबरदस्त फीचर दे दिए गए हैं। और ना सिर्फ आप लोग स्कूटर को स्मार्टली कनेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपने मोबाइल के साथ, स्मार्ट वॉच के साथ, हेलमेट में अगर ब्लूटूथ लगा हुआ है तो उसके साथ भी और स्मार्ट वॉच के साथ भी आप लोग स्कूटर को पेयर कर सकते हैं। तो एडवांस इतनी है ये स्कूटर के, इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई है जो आप लोग अगर एडवांस स्कूटर पसंद करते हैं तो शायद ही आपको ऐसा होगा कि स्कूटर ना पसंद आए क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फीचर्स दे दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूटर का जो चैसी है वो एल्युमिनियम चैसी है और 10.25 इंच के टैबलेट्स तो आप लोगों को कार के अंदर देखने को मिलते हैं और इन्होंने TVS ने तो स्कूटर में ही लगा दिया है, तो ये सुपर स्कूटर कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ना तो ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब कहूंगा मैं बहुत ही कमाल की फीचर्स स्कूटर के अंदर दिए गए हैं जिसको देखकर मुझे भी मजा आया है और आप लोग को भी मजा आया होगा। और आप लोग के लिए मैं बता दूं कि स्कूटर की जो बुकिंग है वो आज रात से ही खुल चुकी है और अभी मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूँ, 23 अगस्त को रात से इसकी बुकिंग्स खुल चुकी हैं। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं स्कूटर को प्लान करने का, लेने का, तो आप लोग इसको अभी के अभी बुक करवा दीजिए TVS की वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये स्कूटर फाइनली आ चुकी है, बट स्कूटर का प्राइस क्या है। बट चलिए आज बता ही देता हूं कि स्कूटर का क्या प्राइस आया है। अब स्कूटर का जो प्राइस है वो 2.50 लाख का रखा गया है। आप लोग को शायद चक्कर आ गए होंगे, मुझे भी चक्कर आ गए थे स्कूटर के प्राइस को देखते हुए, यानी 2.5 लाख की ये स्कूटर है और बहुत ही कमाल की चीजें तो इसके अंदर दी गई थी, बट जिसका प्राइस है वो शायद इसको इतना कमाल ना बनाए क्योंकि 2.5 लाख का इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडिया में शायद ही लोग अभी अफोर्ड कर पाए
फिर लेने की हिम्मत भी करें, बट प्राइस तो बहुत ही हिला देने वाला है, क्योंकि ऑन द टॉप इसको अनवील किया गया है, यानी बुर्ज खलीफा के सामने इसको अनवील किया गया है, तो प्राइस भी लगता है उसी से इंस्पायर्ड है, काफी ऊंचा प्राइस टीवीएस ने इसको कर दिया है। और अगर आप लोग इसको खरीदते हैं, बुकिंग करते हैं, तो जो इनिशियल बायर्स होंगे उनको 2000 बायर्स को स्पेशल ऑफर्स और एडिशनल पैकेजेस दिए जाएंगे, जो आप लोग जब बुक करेंगे आप लोग को वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो रैप करते हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स मैंने आपको टीवीएस एक्स के बारे में बता दी है। उम्मीद है कि शॉर्ट एंड सिंपल सी अपडेट वीडियो जो मैं आधी रात में आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, इसी तरह मोटर प्रॉमिस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में यही था, जाने से पहले इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करिएगा, जहां पर आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है, फॉलो करना मत भूलिएगा। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।